हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। आज हम लोग त्रिपुरा विलेज स्टाइल से पर्क हंडी बनाऊंगी। इसके लिए हमने पर्क 1 किलो ले लिया और 1 हंडी ले लिया। तो हम अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। पर्क हंडी बनाने के लिए हमने मसाला ले लिया, धनिया, जीरा, गुल मिर्ची, लौंग, दालचीनी, इलायची और सूखा लाल मिर्च। हम अभी सबको कूटेंगे एक साथ, अच्छे से पाउडर बनाएंगे। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को हमने अच्छी तरह धो लिया, अभी काटेंगे। काटने के बाद कूट लेंगे। अदरक हमने 1 किलो पर के लिए इतना लिया, लहसुन इतना ले लिया। हरी मिर्च इतना ले लिया हमने। थोड़ा तीखा बनाएंगे रेसिपी को। अभी इसको हम कूटेंगे। प्याज को हम बहुत पतले पतले करके काटेंगे। पर्क को काटेंगे अभी पीस पीस करके। पर्क को हम अच्छी तरह धो लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, मैं सरसों का तेल को कढ़ाई पे डालेंगे। तेल को थोड़ा हीट कर लेंगे। कच्चापन का जो स्मेल है वो ना रहे। और को अभी मैं सब मसाला के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मैरिनेट करके रखेंगे। अभी डालेंगे काटा हुआ प्याज को। प्याज को हमने बहुत पतले पतले करके काट लिया। कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे। कुटा हुआ मसाला को भी डालेंगे। रेड चिली पाउडर अच्छी रंग आने के लिए 3 चम्मच डालेंगे हम। हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी को भी डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना। तेल गर्म हो गया, मैं अभी निकाल लेती हूँ। गरम किया हुआ सरसों का तेल को हंडी पे डाल देंगे।
डालने के बाद हंडी से चारों तरफ घुमा लेंगे तेल को ऐसे करके। गरम किया हुआ तेल को टॉप पर भी डाल देंगे अभी मसाला के साथ मैरिनेट करने के लिए। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अभी कम से कम आधे घंटे तक ढक्कन देके रखेंगे। आधा घंटा हो गया, मैं ढक्कन निकाल लेती हूँ। मसाला से पर को मिक्स किया हुआ अभी हंडी पर डालेंगे। हंडी को मैं 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखा। एक होल लहसुन डालेंगे अच्छे खुशबू के लिए। और मैंने होल प्याज छोटे छोटे पांच ले लिया, पांचों को डाल देंगे। और एक तेज पत्ते ले लिया डाल देंगे। आटा को हमने दो कर लिया तो अभी हंडी का मुंह पर सील कर देंगे ऐसे करके लगा लिया हमने। अभी ढक्कन लगाएंगे अच्छे से। हंडी का अभी चूल्हे पर रखेंगे, पकाएंगे। अभी हंडी को ऐसे घुमाएंगे थोड़ा सा। फिर से रख देंगे चूल्हे पर और हंडी रेडी हो गया। मैं निकाल लेती हूँ। हंडी को आटा से सील किया था, आटा को अभी ऐसे काट के फूल लेंगे। तेज पत्ते का रंग देखो पूरे के पूरे कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगा है। बहुत अच्छे से पक गया। बहुत ही बढ़िया बना दोस्तों पर्क हंडी, बहुत ही बढ़िया। फ्रेन आप लोग भी एक बार ट्राई करके खाकर देखिए। मैंने जो आज पर्क हंडी बनाया बहुत ही टेस्टी बना। फ्रेन आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो तो हम